नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एम्प्लॉय जो फील्ड वर्क में काम करते हैं उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी जॉब कैसे लगती है, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट कंपनीज मांगती है जो माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही है। तो फिलहाल वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस, अगर आपको नहीं पता, आपने अक्सर गांव शहरों में इंटीरियर तरफ आपने देखा होगा लेडीजू का एक ग्रुप लगता है जिसमें मतलब जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है अलग अलग नामों से होती हैं, तो वो क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं लोगों को, ठीक है ना। अब इसमें जो लोन देते हैं यानी कि जो सर रहते हैं उनको सर भी कहा जाता है, तो क्या होता है कि वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं और लोगों को ढूंढते हैं कि लोन कैसे चाहिए। तो ये अलग अलग कंपनी से बहुत सारे लोग आते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो इनसे लोन लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई जॉब करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगती है और क्या क्या यहाँ से सुविधा है, कितने लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं और क्या लोग अपनी इस जॉब से खुश हैं नहीं हैं, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा माइक्रो फाइनेंस में अगर जैसे किसी को वर्क करना है तो उसके पास कम से कम 12th क्वालिफिकेशन में 12th की डिग्री होनी चाहिए कम से कम, और इसके साथ साथ उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके पास एक पर्सनल बाइक होनी चाहिए। अगर इसके पास इतना है तो वो इसके लिए अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में अगर जैसे उसने पास कर लिया है तो फिर उसकी 7 से 10 दिनों की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के दौरान उसको सिखाया जाएगा कि फील्ड वर्क में कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, फॉर्म कैसे भरते हैं, लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं, अपने बारे में कैसे बताना है, सारा कुछ, और जैसे कंपनी के बारे में क्या बताना है, मतलब सारा कुछ आपको वहाँ पर ट्रेन करा दिया जाएगा। जब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी फिर आपको फील्ड में भेजा जाएगा, आपको एक सेंटर दिया जाएगा कि आपको यहाँ यहाँ इस जगह काम करना है, इस एरिया में काम करना है। फिर अब बात करते हैं हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाना खर्चा का क्या है। तो ज़्यादातर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है वो अपने खुद का एक ब्रांच रखती है, मतलब जगह पे रेंट पे ले लेती है, बहुत जगह खुद का बना हुआ होता है। तो वो क्या करेगी, वहाँ पे आपको रहना पड़ता है ना, वहाँ पे एक इसके साथ साथ स्टॉक मैनेजर होता है और इसके साथ ब्रांच मैनेजर भी होता है। तो ब्रांच मैनेजर के जस्ट नीचे स्टॉक मैनेजर होता है, उसका काम ये रहता है कि आपको पूरी सुविधा मिलना चाहिए, है ना, रहना खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो स्टॉक मैनेजर होता है वो आप पे नज़र रखता है। अब जैसे एक ब्रांच है, उस ब्रांच में 8 से 10 लोग होते हैं और जो स्टॉक मैनेजर होता है 8 से 10 लोगों को हैंडल करता है, सभी लोगों के ऊपर नज़र रखता है। इसके साथ साथ सभी को मतलब देखता है कि इसका कितना कलेक्शन है, कौन टाइम से जा रहा है, नहीं जा रहा है, सारा कुछ ये स्टॉक मैनेजर देखता है, ठीक है ना। अब जिसको जॉब करना है यानी कि उसको पैसे कमाना है, पैसे कमाता है आदमी जब उसको मजबूरी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सोचें कि मैं कहीं अलग से रेंट पे रूम ले लूँगा फिर मैं वहाँ से अकेले काम करूँगा, तो देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रेंट खाने का खर्चा लग जाएगा कि आपको ज़्यादा उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको सैलरी तो मिल नहीं रही, 15,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 के ऊपर सैलरी यहाँ पे आपकी नहीं है। तो इस हिसाब से आपको खुद लगेगा कि यार 15,000 की अगर मुझे सैलरी मिल रही है, मैं कहीं और अगर रहूँगा तो मेरा उस और ज़्यादा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, तो कुछ खास हमें यहाँ पे बचेगा नहीं। तो ज़्यादातर लोग जितने भी हैं जो फील्ड वर्क में काम करते हैं वो ब्रांच में ही रहते हैं, ठीक है ना। अब जब वो फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए तो इनके साथ होता क्या है कि जैसे अगर कोई यहाँ पर नया है फील्ड में जाएगा, लोगों से बात करेगा, कंपनी के बारे में बताएगा, अपने बारे में बताएगा, लोन के बारे में बताएगा, और फिर उसके बाद जिसको लोन लेना होता है वो उसको बात करता है। फिर इसके बाद जिसको लोन बांटना होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो ये देखता है कि जो मेरे से लोन मांग रहा है या फिर मांग रही है तो उसके ऊपर अभी तक कितना कर्ज है, क्या उसने पहले कहीं लोन लिया है, अगर लिया है तो क्या उसने अभी तक दिया है, और दे भी दिया है तो कितने परसेंट बचा हुआ है, कितने परसेंट उसने दे दिया है, ये सारा कुछ चेक करेगा। और फिलहाल अगर यहाँ पर उसको ये भी देखेगा कि क्या कहीं इसने फ्रॉड तो नहीं किया है, इसका लेन देन कैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे करके वो काम करना यहाँ पे चालू करता है। अब यहाँ पे परेशानी क्या आती है, लोगों को सुनने में तो बहुत ही सरल सा लगता है कि फील्ड में जाना है और लोगों से बात करना है, जिसको ज़रूरत है उसको हमें लोन देना है, फिर टाइम टू टाइम वीकली या फिर मंथ के एंड में हमें उनसे किस्त बाई किस्त पैसा कलेक्शन करना है ना।
तो मैं आपको बता दूँ, हर 10 में एक, मतलब एवरेज अगर आप लगाओगे, हर 10 में 4 से 5 या 6 ऐसे रहेंगे जो आपसे टाइम से पैसा लेंगे और आपको टाइम से पैसा वापस देंगे। लेकिन 3 से 4 ऐसे होते हैं जो आपको मतलब टाइम से पेमेंट तो देते ही नहीं हैं। वो ऐसे बोलेंगे कि आज नहीं है, कल ले लीजिएगा, कल नहीं है परसों ले लीजिएगा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। ऐसे ऐसे करके वो आपको गुमराह करेंगे, परेशान करेंगे। अब फिर जब, जैसे मान लीजिए अब टाइम होने वाला, उसने बोला कल, जब आप कल जाएंगे तो वो भी आपको मिलेगा नहीं। अब उसका जब नेक्स्ट, जैसे वीक का अगर है तो मान लीजिए अगर आप नेक्स्ट वीक भी जाते हैं तो अगर उसको पता चलेगा यार अगर सर आने वाले हैं तो वो क्या करेगा, जैसे उसको पता चलने वाला होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। घर जाएंगे, घर में आपको ताला लगा मिलेगा। जब आप वापस चले जाएंगे ब्रांच की तरफ तो वो वापस आ जाएगा। ऐसा भी होता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फील्ड में होता है, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब जैसे आपको कुछ लोगों से आपको पैसा मिल गया, अब बहुत से लोगों से आपसे पैसा नहीं मिला, तो आप ब्रांच जब वापस जाएंगे तो स्टॉक मैनेजर आपको यही चेक करेगा कि आपको मतलब कितने लोगों से आपने कलेक्शन लिया और कितने लोगों से आपने कलेक्शन नहीं लिया, क्या कारण था क्यों नहीं लिया। तो वो आपको एक अलग ही प्रेशर देगा, क्योंकि उसको भी ऊपर से बीएम प्रेशर देता है, बीएम को ऊपर से प्रेशर मिलता है कि इतना कलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। टारगेट बेस पे सबका रहता है। तो जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ऑलरेडी वो जो उसके नीचे होगा वो अपने नीचे वाले को प्रेशर देगा। तो एम्प्लॉय को ये रहता है कि आपने इतना पैसा बांटा है जो कि यहाँ पे आपको कलेक्शन लाना था, आपने दो लोगों से कलेक्शन क्यों नहीं लाया या 4 लोगों से कलेक्शन क्यों नहीं लाया। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं, सामने वाला आपको कोई मजबूरी बताता है तो ये मजबूरी तो आप सुन लिए, लेकिन आपकी मजबूरी वो नहीं सुनेगा कि उसने मेरे को बताया कि वो कल देगा। बीएम या फिर स्टॉक मैनेजर जो भी होगा आपसे यही बोलेगा कि हमें पैसे से मतलब है, हमने जो पैसा दिया टाइम हुआ है, पैसा आपको वापस लाना है, आपने क्यों नहीं लाया है। तो इस चक्कर में वो आपको दबाव बनाएगा, हो सकता है आपको दोबारा से भेजें। जब आप दोबारा जाएंगे फिर अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो वापस से आपको एक प्रेशर बना के दिया जाएगा कि नहीं उससे हमको कल पैसा चाहिए, एक काम करो कल पैसा लेने जाओ। अब सपोज अगर वो यहाँ पे पैसे नहीं देता है तो आपका उससे झगड़ा भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, अगर वो कह देगा मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या कर लोगे उसका, या फिर कह देगा जो करना हो कर लो, नहीं देंगे पैसा। तो ऐसा मतलब झगड़ा भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि देखिए आप वहाँ पे जा कर के लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जहाँ रहते हो आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन से कम 80 किलोमीटर या फिर 100-200 किलोमीटर दूर आपको सेंटर में भेजा जाता है। आप वहाँ के लिए बिल्कुल अनजान हैं, आपको कोई नहीं जानता, ना आप वहाँ पे किसी को जानते हैं। और इस तरह की जगह में पैसे का लेन देन में ये सब प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फील्ड वर्क क्या रहता है, देखिए आपका जहाँ ब्रांच है 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर यहाँ वहाँ आपको भेजा जाता है। इसके बाद अब बहुत से लोगों से कलेक्शन आपको जैसे नहीं मिलता तो आप उसके घर जाना, जब घर जाएंगे घर का चक्कर लगाएंगे, और फिर जब आपको वो नहीं मिलेगा तो फिर आपका स्टाफ मैनेजर बोलेगा हमको पैसे से मतलब, चाहे वो घर भेजे कहीं से भी दे, या फिर अगर वो घर पे नहीं है तो कहाँ है पता करो। जैसे अगर आपको किसी ने उसके आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने बताया कि यार वो तो यहाँ नहीं है, वो अपने ससुराल में है कहीं भी है, तो फिर जो ये फील्ड वर्क में काम करते हैं फिर वो जाते हैं, अगर 50 किलोमीटर दूर है तो वो 50 किलोमीटर जाते हैं बाइक से, वहाँ पे उससे पैसे के लिए बात करने जाते हैं। तो पैसा मिल भी जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वो तो ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाता है। तो यार रहे बात सपोर्ट की, तो भी यहाँ पे प्रशासन से फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और कहते तो हैं कि प्रशासन से सपोर्ट मिलता है क्योंकि टैक्स जाता है क्या, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, कोई प्रशासन से यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है। मुझे ये सब जानकारी कैसी है, क्योंकि भाई देखिए क्या है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे टच में हैं और ये काम को वो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैंने खुद से देखा है कि वो कैसे काम करें, कितना मेहनत कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पे आइडिया लग गया है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको यहाँ के बारे में पता कुछ नहीं, वो बहुत सिंपल समझते हैं, लेकिन जितना सिंपल वो समझते हैं उतना सिंपल है नहीं। एक तो सबसे पहली बात देखो काम कैसे रहता है, सुबह से भाई आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मान लीजिए सुबह उठेंगे 5 बजे 6 बजे उठेंगे, क्योंकि सुबह का काम रहता है ना। सुबह आप उठेंगे, आपको कहा जाएगा, आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा कि 6 से 7 घंटे का 8 घंटे का काम है, इससे ज़्यादा का नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं 6 बजे 7-7:30 बजे तक आप ब्रांच मतलब रेडी होकर ब्रांच को छोड़ देते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो चाय नाश्ता जो भी आपको करना हो आपने वो चीज़ किया,
इसके बाद मीटिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जैसे धीरे से हो गया दोपहर, दोपहर में जो आपको खाना वगैरह खाना हुआ आपने खाया, वो खाना तो आपको खुद से ही खाना पड़ेगा बाहर, और क्योंकि घर तो आप आ नहीं सकते क्योंकि आप फील्ड पे रहेंगे। तो फिर जब इस तरह से आप यहाँ वहाँ जाते हैं, फिर जैसे शाम हो गई, अब जैसे होता क्या है कि बहुत से लोगों ने पैसा नहीं दिया, जैसे बहुत से लोगों ने आज नहीं दिया, आप उससे कल लेना है, उसने कल का टाइम दिया, लेकिन हमारी मीटिंग कल कहीं और भी होगी, तो वो जिस जहाँ भी मीटिंग होगी वहाँ भी अगर 10 लोगों को तो 3 से 4 ऐसे फंसेंगे जो बोलेंगे आज नहीं कल आइएगा, तो आपके पास इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं जिसके यहाँ आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। तो इससे होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए अपने कहीं मीटिंग लेने गए वापस आएंगे, तो जो ब्रांच मैनेजर, मान लीजिए कभी आपने सोचा कि जल्दी काम निपटा के जल्दी ब्रांच चले, है ना, तो जो आपका ब्रांच मैनेजर होगा वो सीधे आपको यही बोलेगा कि आपने इतना कलेक्शन क्यों नहीं लाया और आप यहाँ पे क्यों आ गए इतने पहले, एक काम करिए पहले हमको कलेक्शन ला के दीजिए फिर आ जाइएगा। तो ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए 6 बजे से 7 बजे से यहाँ पे ब्रांच छोड़ देते हैं और रात को 9-10 बज जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप ये मान लो कि 12-13 घंटे से भी ज़्यादा का यहाँ पे काम रहता है लोगों का, और प्रेशर अलग रहता है। अगर हम पेमेंट नहीं ला पाते हैं सामने वाले से या टाइम से नहीं लाए तो 50-50 रुपये फ़ाइन भी कट जाता है हमारी सैलरी में से। और पेट्रोल का भी यहाँ पे लिमिटेड पैसा दिया जाता है, लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो अनलिमिटेड चलती है। अब डेली आप 100 किलोमीटर चलोगे और आपको पेट्रोल डेली 100 रुपये ही मिलेगा, तो फिर आप कितने में एडजस्ट क्या कर लोगे, तो आपकी सैलरी में से भी पेट्रोल का कुछ ना कुछ लग ही जाता है, क्योंकि पेट्रोल का बहुत ही लिमिटेड मिलता है। तो यही सारा कुछ है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ तो जाते हैं, लोगों की जॉब लग जाती है, वो भी आसानी से लग जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर लड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से जॉब लग जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और लोग यहाँ पर टिकते नहीं हैं, 2 से 3 महीने 4 महीने काम करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, और ज़्यादातर लोग छोड़ ही देते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो का जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।